एक मासूम बच्चे दा जन्म होया है, नंगा है, पर इस दी नगनता दे नंगेज पना नहीं है। इसका नंगा शरीर लोभ दी प्रदर्शनी नहीं कर रहा, इसका नंगा शरीर वासना दी प्रदर्शनी नहीं कर रहा, इसका नंगा शरीर काम दी प्रदर्शनी नहीं कर रहा, जबकि कईयां दे ढके हुए शरीर भी प्रदर्शनी कर दे रहे। गंदगी ते चादर पाई है, चादर दे चों भी बदबू बाहर आ गई है, चादर दे चों भी गंद बाहर आ गई है। तो ये दौर, ये समा, इसनों गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने कलाल, और ये शब्द उच्चारण कर रहे ने मरदाने दे प्रति, मरदाने दे सामने इस युग दी नगनता सतगुरु पेश कर रहे ने। हालांकि युग ने अपने आप नूं ढकया है, बहुत ढकया है, बड़ा ढकया है। एक जमाना ते ऐसा भी साडे देश दे लंघया है कि असी धार्मिक पुरुषां दीआं मूर्तियां भी नगन बनाईआं, धार्मिक मंदरां दे च भी नगन मूर्तियां बनाईआं, और बड़े बड़े साधुआं दे टोले भी चले नांगे साधु, नंगे साधु। साधु होण दी पहचान नंगा है, इहदे कोल ढकण वास्ते कुछ भी नहीं, ढकण वास्ते कुछ नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि इहदे कोल कपड़े नहीं ने, नहीं, ऐसी कोई गंदगी इसके कोल नहीं जिसनों यह ढके। फुल नंगे ही ठीक रहिंदे ने, पर जैसे जैसे मनुख दे छिद्र वधदे गए, जख्म वधदे गए, पट्टियां भी वधदियां गईयां, और जब सारा ही शरीर जख्मी हो गया तो सारा शरीर पट्टियां नाल भर गया। कपड़े नहीं पहने हुए, जख्मां दे उत्ते पट्टियां बनी हुई ने। हकीकत यह है, हमा तन दाग दार शुदम पुंबा कुजा कुजा ने हम। ये सूफी संत कहिंदा है, रोम रोम जख्मी है, किथे किथे मैं पुंबा रखा ते पट्टी बन्ना, ते जे मैं पट्टियां इतनियां बना रोम रोम दे उत्ते, ते पट्टियां ते मेरा लिबास बन जाणगियां, पट्टियां मेरा पहरावा बन जाणगियां। गुनाह नू ढकण लई जो कपड़े पहने, वो कपड़े लिबास बन गए, वो कपड़े फैशन बन गए, वो कपड़े समाज दा अंग बन गए। वरना गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, ए एहसास पशुआं च नहीं पैदा होया, विस्माद नांगे फिरे जंत। महाराज कहिंदे ने, मैं ते विस्माद हो जाना, पशु नंगे ही घूम रहे ने, इन्हां दी नगनता लोभ दी प्रदर्शनी नहीं करदी, इन्हां दी नगनता हंकार दी प्रदर्शनी नहीं करदी, इन्हां दी नगनता वासना दी प्रदर्शनी नहीं करदी। मनुखता दे आद काल दे मनुख जद निर्दोष सी, इतना ही निर्दोष जैसे कि पशु ते पक्षी ने, कपड़िया दी लोड़ नहीं सी। दोष वधदे गए, कपड़े वधदे गए, सहजे सहजे समाज दा हिस्सा बन गए कपड़े। जो कपड़े पहन रहे है भले मानस है, निर्दोष है, हुण नंगा दोषी कहलाण लग पे है। इस वास्ते दोषी मनुख नूं असीं कह दिंदे आ, बड़ा नंगा मनुख है, इह ते बड़ा नंगा है। कमाल दी गल, एक दौर ऐसा लंघिया, इह ते बहुत गुनाहगार है, सब कुछ ढक के रखे है, ढकिया होया है, परिभाषा बदल गई, इह ते बहुत नंगा है, इह ते बहुत नंगा है। वक्त दा तकाजा, समय दा प्रभाव। तो इह शब्द धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मरदाने दे प्रति उच्चारण कीता है। कल कलवाली काम मद मनुवा पेवन हार। एक कल आम पर चलता है शराबो कबाब, कबाब नाल शराब जुड़ गई, शराब नाल कबाब जुड़ गया। ऐसा क्यों? शराब और हलवा इंज नहीं कहंदे, शराब और मिठाई ऐसा नहीं कहंदे, शराब और रोटी ऐसा नहीं कहंदे, शराब और अंब ऐसा नहीं कहंदे, शराब और कबाब।
लगदा है कुछ जरूर चोली दामन दा साथ है। अगर साथ ना होंदा तो इस तरह भी कहा जा सकदे शराब और दुध, शराब और दही, शराब और घी, ऐसा नहीं कहंदे जबकि सारियां चीजा खाण वाली हैं। शराब और कबाब, कबाब नो शराब चाहिदी है, शराबी नो कबाब चाहिदा है। इना दोहां दा चोली दामन दा साथ है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे रैवरी पुरुष ने शराब दी गल कर रहे ने, कबाब दी गल कर रहे ने। खाने कबाब जरूर खा, पर जिस तरह दा ढंग मैं तेनू बनाने दा दसदा कबाब ओ खा। शराब पीनी है जरूर पी, पर जेड़ी मैं बनाने दा ढंग तेनू दसदा ओ पी। बन शराबी, बन कबाबी, ऐसा शराबी ऐसा कबाबी कि परमात्मा भी तेनू सीने नाल लाण ते मजबूर हो जाए। किसे वक्त सतसंग नो मैखाना कहा जांदा सी, अज ते खेड ही कुछ होर होगी, सिलसिला कुछ होर हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने ए युग कलाल है। अगर ए कलाल है तो इसदे कोल शराब केड़ी है। कल कल वाली काम मद, इसदे कोल काम दी शराब है। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। धन भगत रविदास जी महाराज, हे प्रभु तू जगत दा स्वामी, असी इस युग दे कामी, तो तालमेल किस तरह बैठे। एक दौर ऐसा भी लंघे है, हर पासे धर्म दी प्रदर्शनी सी, धर्म दी नुमाइश सी, बाहरों भी डुल डुल के धर्म पैंदा सी। गल दे च माल है, हत्थां च माल है, घर दे च मालां लटकियां हुई ने, ग्रंथ पए ने, तमाम धार्मिक साजो समान नाल घर सजे हुए ने, और घर दे च भी जाके ऐसा पता चलदा सी जैसे मंदिर है, धर्मशाल है। दौर बदलिया, घर दे च बार बन गई, घर दे च बोतलां आ गई, घर दे च वैश्याले बन गए। हैरानगी दी गल, पहले घर मंदिर सन, घर धर्मशाल सन, हुण ते बहुते धर्मशाले भी किसे हद तक मैखाने ही ने, भ्रष्टाचार दे अड्डे ने, दुराचार दे अड्डे ने। दौर बदले है, समय दा प्रभाव, महाराज कहंदे ने कलाल है ए युग, और ये बना रहा है काम दी शराब। ज्यादा चर्चा इसे दी है, ज्यादा यही देखिया जा रहा है टीवी ते, अखबारां विच, इश्तहारां विच, तरह तरह के मैगजीन, तरह तरह के गंदे नावल, जिनसियात नाल भरिया हुई कहानियां, हर पासों उजागर काम दी प्रदर्शनी, काम दी नुमाइश। आखिर मनुख कोल जो कुछ होवेगा उसे दी प्रदर्शनी करेगा, आखिर मनुख कोल जो कुछ है वही बार प्रगट करेगा। कामी काम जीवन दी एक वक्ती लोड़ हो सकता है, काम जीवन नहीं हो सकता। लोड़ कतई जीवन नहीं आती। इसनों जिस आलमाना ढंग नाल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बयान किया है आप दे सामने रखा। पंकज फाते पंक महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। पंकज, पंक कहंदे ने चिक्कड़ नू, पंकज पंक दे चो जमया, चिक्कड़ दे चो पैदा होया पंकज। पंक ने जन्म दिता है, चिक्कड़ ने जन्म दिता है पंकज।
तो चिक्कड़ किसनों जन्म देंदा है? चिक्कड़ एक चोटी दे फुल नूं जन्म देंदा है, जिसनों कमल कहिंदे ने, जिसनों सौरभ कहिंदे ने, जिसनों कंज कहिंदे ने, जिनूं पदम कहिंदे ने, जिनूं सारंग कहिंदे ने, जिसनों बारज कहिंदे ने। धार्मिक ग्रंथां विच गालमन इसके 18 नाम ने और यह धर्म का प्रतीक है। अगर कोई धार्मिक मनुख है तो कह दिता जाता है तो कमल की तरह। भारत के मंदिरों के गुंबद कमल ने। बोध भिक्षु जब सवेरे सवेरे भिक्षा ले चलते ने हद च कमल की पंखड़ी लेके, ताकि एहसास रहे विचर रहे हैं बाजार दे गलियां दे कमल की तरह रहना है। डुबना भी नहीं, भिजना भी नहीं। महाराज कहने पंकज फाते पंक, जो पंक तो जमया सी, चिक्कड़ तो जमया सी, महाराज कहने चिक्कड़ी की फस के रह गया। पंकज फाते पंक, पंकज पंक दे फस के रह गया। कभी ऐसा होंदा है सरोवर दा पानी सुकन लग पैंदा है, ते बाहर दे जल झरने जो इस विच आ रहे सन वो अवरुद्ध हो जांदे ने, रुक जांदे ने, पानी नीवा होण लग पैंदा है। और इतना नीवा कि चिक्कड़ दिखाई देण लग पैंदा है, और वो कमल जो बहुत उपर उठाया होया सी चिक्कड़ दे नेड़े चला गया, पानी दे आसरे थे, बहुत उच्चा उठिया सी, बहुत उच्चा उठिया सी, नीवा चला गया, थल्ले चला गया। लेकिन अचानक जोर दी बारिश हो गई, चारों पासे दा जल झरना झरनिया दा रूप धारण कर सरोवर दी तरफ आया, और सरोवर बड़ी तेजी नाल भरन लग पया। जितनी तेजी नाल पानी उच्चा हो रहा है, इतनी तेजी नाल कमल उठ ना सकया। जितनी गति नाल पानी ऊपर उठ रहा है, ये गति कमल अपनी बना ना सकया। होया कि पानी ऊपर चला गया, कमल थल्ले चला गया। चिक्कड़ तो जमया, फिर चिक्कड़ दे च फस गया। पंकज फाते पंक, महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। ऐसा चिक्कड़ विच उलझे है, अपनी सुगंध ही भुल गया, अपना स्वप्न ही भुल गया। चिक्कड़ तो जमया सी, हुण अपने आप नूं चिक्कड़ ही समझ बैठा। जन्म काम तो है, अगर जीवन भी काम बन जाए तो चिक्कड़ तो जमया ये कमल चिक्कड़ विच लीन हो गया। चिक्कड़ चिक्कड़ ही बन के रह गया, चिक्कड़ कमल नहीं हो सकया। काम राम हो जाए तो चिक्कड़ कमल बन गया, काम सिर्फ काम ही रह जाए तो कमल चिक्कड़ विच फस के रह गया। ये उदाहरण बड़ा सुंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है। काम तो जमया ए जीव काम दे ही फस के रह गया। चारों पासे अज नाटक, फिल्मा, मैगजीन, इश्तियारी दुनिया, अखबारी दुनिया, टीवी दी दुनिया, रेडियो दी दुनिया, समाजिक दुनिया, राजनैतिक दुनिया, हता के धार्मिक दुनिया भी काम दी नुमाइश तो बिना होर कुछ रह नहीं गई। चारों पासे इस दी प्रदर्शनी। कारण ये जड़ा युग है, एक कलाल है, ही दे कोल शराब, यही शराब है। मनुखां नूं किसे होर सरूर दा पता ही नहीं, किसे होर नशे दा पता ही नहीं। दुनिया दे सारे नशे भी काम दे आले दुआले मंडला रहे ने, और काम प्रबल नशा, जिस दे मनुख बेसुरत, मनुख बेहोश। ये गल वखरी है कि इतना खुल के इस विषय ते इतना बोलिया नहीं गया, लिखया नहीं गया। और जद किसी ने कुछ लिखया है तो उस ग्रंथ नूं धर्म ग्रंथ नहीं आखिया गया, जद कोई बोलिया है तो
टूना बोला नु धार्मिक बोल नहीं आख्या गया। हद होगी जिस तो जीवन जमे है उस मन दे बोल इनू एक पासे रख दईए धर्म दा हिस्सा ना मानिए तो फिर एते इंज होई जिवें कह दईए जन्म ही नहीं होया या जिथों जन्म होया असी इसनू मनदे ही नहीं। जीवन उदों सफल हो जांदा है ए जम्मे काम दे चों ए लीन होवे राम दे च। यात्रा सफल हो जांदी है। चिक्कड़ तो जमे है पर चिक्कड़ ते पानी दोहां तो उच्चा उठे। काम तो जमे है पर ए काम ते पदार्थां दोहां तो उच्चा उठे। पानी तो भी उच्चा उठे। कई दफा जोर नाल वधिया होया पानी भी डुबो के रख देंदा है उपर नहीं उठन देंदा। अचानक धनवान हो गया है। अचानक सता मिल गई है प्रभुता मिल गई है। बड़ी तेजी दे नाल धन संपदा आई है नहीं संभाल सकया गर्क हो गया डुब गया। आहिस्ता आहिस्ता जब सरोवर दे पानी पैंदा है आहिस्ता आहिस्ता फुल भी उपर उठता रहिंदा है पर विरले कोई फुल ने ऐसे जो तीबर गति दे अपने आप नू तीबर गति च उठा सकन। पानी दा वेक बड़ा तीबर होवे बड़े तीबरता दे नाल पानी वद्दा जा रहा है उच्चा हो रहा है और इसी तीबरता दे नाल ओ अपने आप नू उच्चा कर सके कठिन हो जांदा है औखा हो जांदा है। काम ही एक शराब है जो एक कलाल अपनी दुकान ते सजा के बैठा है वेच रहा है पी रहा है पिला रहा है।